हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ Neo 7 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्लो चार्जिंग जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है ना, उसके कुछ रीजन्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कभी भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं ना, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज उसी चार्जर से करना है जो आपके मोबाइल फ़ोन के साथ का चार्जर है, यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन के साथ जो आया होगा या ओरिजिनल चार्जर होगा आपके मोबाइल फ़ोन का, उसी से चार्ज करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कभी भी दूसरे मोबाइल फ़ोन के चार्जर को यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे मोबाइल फ़ोन की जो चार्जिंग होती है ना, वो स्लो हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, अपना ही चार्जर आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कन्फर्मेशन कर लेनी है कि आपके मोबाइल फ़ोन का ये जो चार्जर होता है ना, इसका जो केबल होता है, केबल कई बार जो है ना ख़राब हो जाती है अंदर की साइड से, हमें पता नहीं चलता है, तो आपको एक बार केबल भी चेंज करके देख लेनी है, ठीक है ना। अडाप्टर और केबल चेंज करके देख लीजिए, तो यहाँ पर जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इस तरीके से भी, ठीक है ना। अब दोस्तों, यहाँ पर जो आपको अगली बात का क्या ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का ये जो चार्जिंग पोर्ट होता है ना, ये चार्जिंग पोर्ट में धूल मिट्टी जमा हो जाती है, क्योंकि हम अपने मोबाइल फ़ोन को काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर जो है ना इसमें धूल मिट्टी जमा हो जाती है चार्जिंग पोर्ट में मोबाइल फ़ोन के, ठीक है ना। तो इसमें आपको इसे हल्के हाथों से इसे साफ कर लेना है, आपको ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगाना है, नहीं तो इसका जो चार्जिंग पोर्ट है ना मोबाइल फ़ोन का, इसके अंदर के पार्टिकल्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं, ये बिल्कुल ही ख़राब हो सकता है, इसे हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है ना। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर देना है, ठीक है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन होता है ना, इसे आपको उंगली से दबा के रखना है, तो स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन दिखाई देगा, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके बाद थोड़ी देर में ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कोई कमी होती है ना, तो वो कमी दूर हो जाती है रीस्टार्ट करने से, जैसे कि मोबाइल फोन हैंग करता है, मोबाइल फोन स्लो चार्ज होता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है ना। रीस्टार्ट एक बार जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का यहाँ पे सिस्टम चेक कर लेना है कि सिस्टम अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर सिस्टम का अपडेट आता है तो हमें पता नहीं चलता है। तो आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सबसे पहले तो इंटरनेट चालू रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसके अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड यह ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। अगर सिस्टम अपडेट के इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या ऑप्शन नजर आता है, तो उसे आपको अपडेट पे टैप कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम होगा वो अपडेट होने लग जाएगा। सिस्टम अपडेट होने में 5 से 10 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है, लेकिन आपको सिस्टम अपडेट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने देना है। सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो आपकी जो स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है, देखिए आपको ना कुछ बातें और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप जब भी कभी भी अपने मोबाइल फोन को चार्ज पे लगाते हैं ना चार्जिंग पे, तो मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगा के इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। काफी सारे लोग जो है ना अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगा के इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्लो चार्जिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीसेट कर देना है। कैसे करेंगे, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करेंगे, तो इसमें आपको सबसे नीचे सिस्टम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको जो है ना ये ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, इसे टैप करेंगे तो आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन की जो स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको ना रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, जैसे कि फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, जो भी कुछ आपके फोन में डेटा है, वो आपको सारा का सारा किसी दूसरे मोबाइल फोन में पहले से ट्रांसफर कर लेना है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको अपने मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको पहले से कहीं पे लिख के रख लेना है, नोट करके रख लेना है, ठीक है ना। तो रीसेट करने से पहले दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो आपकी ये आपको रीसेट करना है, ठीक है ना। ये सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं, इससे आपकी स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों, अगर ये सारे प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी अगर आपकी स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है, आपका मोबाइल फोन है ना, IQ मोबाइल फोन जो है वो आपका IQ मोबाइल फोन का जो भी सर्विस सेंटर आपके एरिया के आसपास, आपको अपने मोबाइल फोन को वहाँ पर लेके चले जाना है, ठीक है। वहाँ दिखा देना, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हो सकता है ना क्योंकि आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से स्लो चार्जिंग हो रही है, हो सकता है आपके मोबाइल फोन की बैटरी जो है वीक हो चुकी होगी जिसकी वजह से आपका स्लो चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। तो आपकी जो भी कोई हार्डवेयर में दिक्कत होगी जिसकी वजह से स्लो चार्ज हो रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी सर्विस सेंटर अगर जाएंगे ना, तो आपको अपना मोबाइल फोन का चार्जर भी साथ में लेके जाना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ना मैंने आपको जितने भी प्रोसेस बताए हैं स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, वो आपको मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं और कुछ टिप्स दिए हैं, ठीक है ना। तो अगर मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी, तो आपको मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा।